सोलन के घट्टी के रहने वाले मुकेश शर्मा जोगिंद्रा केंद्रीय सहकारी बैंक के सदस्य मनोनीत सीएम सुखविंदर सिंह सुखू की नजदीकियों का मिला इनाम एनएसयूआई से लेकर कांग्रेस के विभिन्न पदों पर किया है काम हिमाचल सरकार ने एडवोकेट मुकेश शर्मा को जोगिंद्रा केंद्रीय सहकारी बैंक सोलन के निदेशक मंडल का नॉन ऑफिशियल मेंबर नियुक्त किया है इसे लेकर राज्य सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ कोऑपरेटिव ने देर शाम आदेश जारी कर दिए हैं मुकेश शर्मा सोलन के गट्टी गांव के रहने वाले हैं वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू का करीबी हैं उन्होंने एनएस युवा कांग्रेस से लेकर प्रदेश कांग्रेस में सुखविंदर सिंह सुखू के प्रदेशाध्यक्ष रहते हुए विभिन्न पदों में काम किया है यही कारण है कि अब सीएम सुखु सुखू ने मुकेश शर्मा को जोगिंद्रा केंद्रीय सहकारी बैंक का नॉन ऑफिशियल मेंबर लगाया है इनसे पहले सुखू सरकार ने तीन नॉन ऑफिशियल मेंबर लगा चुकी है मुकेश शर्मा युवा कांग्रेस के प्रवक्ता सोशल मीडिया के जिला हेड स्टेट कोऑर्डिनेटर, डाटा विश्लेषण हेड रह चुके हैं यह स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम चैंडिल के भी खासम खास हैं